अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एंड्रॉइड। आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि एंड्रॉइड क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। सो एंड्रॉइड क्या कोई सॉफ्टवेयर है या कोई एप्लीकेशन है? तो इसका आंसर है नो। एंड्रॉइड बेसिकली है क्या? एंड्रॉइड इज अ ओपन सोर्स लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉइड बेसिकली हमारे पास एक ओपन सोर्स यानी बिल्कुल ही फ्रीली ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इतना तो हमें पता चल गया कि एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सो ऑपरेटिंग सिस्टम से मुराद वो चीज जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के दरमियान कम्युनिकेशन करवाए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई म्यूजिक सुनना है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी? मैं म्यूजिक जितनी भी एप्लीकेशन होंगी तो मैं उन पे जाऊंगी। मैं सॉफ्टवेयर को कमांड दे रही हूँ कि मुझे ये सुनना है, ये म्यूजिक सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं बताऊंगी। फिर सॉफ्टवेयर वो ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ जाएगा और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ जाएगा? हार्डवेयर। मतलब म्यूजिक मुझे सुनना है तो फिर उसकी आवाज जो है मुझे कहाँ आएगी? हार्डवेयर से आएगी ना। तो इसी तरह हुआ कि सॉफ्टवेयर के जरिए मैंने जो है अपना इनपुट दिया, उसके बाद वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे गया और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से हार्डवेयर में। तो ये जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान ये जो कम्युनिकेशन हो रही है, ये कराने का जो जरिया है वो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास एंड्रॉइड, जो कि मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एंड्रॉइड स्टूडियो। एंड्रॉइड स्टूडियो हमारे पास क्या है? एंड्रॉइड स्टूडियो हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसको प्रोवाइड किया था गूगल ने, ताकि हम इसमें एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट कर सके। मींस के हम इस एंड्रॉइड स्टूडियो इसके अंदर एंड्रॉइड की एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। हाउ टू डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो। तो अब इस एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड किस तरीके से किया जाए, तो आ जाते हैं। सबसे पहले क्रोम ओपन कर लेते हैं। क्रोम ओपन करने के बाद आपने गूगल पे सिंपली जो है टाइप करना है एंड्रॉइड स्टूडियो। एंड्रॉइड स्टूडियो टाइप करने के पास यहाँ पर आपके पास ये सेकेंड लिंक आ रहा है, डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो एंड ऐप टूल्स। आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने देखना है कि यहाँ नीचे डिफरेंट जो है लिंक्स आपको प्रोवाइड की जा रही है, जहाँ से आप लोग एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं अभी इन लिंक्स को यूज नहीं करी क्योंकि मेरे पास एंड्रॉइड स्टूडियो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन अगर आप लोग को इंस्टॉल करना हो तो आप लोग यहाँ से इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं इसको क्लोज कर देती हूँ क्रोम को, और यहाँ पे अब मैं ओपन कर लेती हूँ अपना एंड्रॉइड स्टूडियो। ऑलरेडी जो मेरे प्रोजेक्ट बना हुआ था वो ओपन हो गया है। मैं एक न्यू प्रोजेक्ट जो क्रिएट कर लेती हूँ, और न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए मुझे कहाँ जाना होगा? फाइल में। मैं यहाँ पे गई फाइल में। फाइल में जाने के बाद न्यू, और न्यू में जाने के बाद न्यू प्रोजेक्ट। तो न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करते ही आपके पास ये ओपन हो जाएगा, और इसके अंदर फिर आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट्स है। सबसे पहले जो है आपके पास फोन एंड टैबलेट के लिए टेम्पलेट्स मौजूद हैं। सेकंड में आपके पास वेयर ओएस के लिए, उसके बाद एंड्रॉइड टीवी के लिए, और लास्ट में ऑटोमोटिव के लिए। तो हम लोग को जो फिलहाल चाहिए वो है फोन एंड टैबलेट। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टैम्पलेट्स मौजूद है, जिनको आप एक्टिविटीज भी कह सकते हैं कि यहाँ पे कि आपको किस तरह की एक्टिविटी चाहिए। आपको बेसिक एक्टिविटी चाहिए, या आपको बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी चाहिए, या आपको एम्प्टी कंपोज एक्टिविटी चाहिए। तो फिलहाल क्योंकि हम लोग अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो हम लोग जो एक्टिविटी चूज करेंगे वो है एम्प्टी, कि मुझे बिल्कुल एक एम्प्टी एक्टिविटी चाहिए। एम्प्टी एक्टिविटी को सेलेक्ट करने के बाद हमें करना है नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही सबसे पहले वो हमसे हमारी एप्लीकेशन का नाम पूछेगा। तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को। फॉर एग्जांपल मैं इसको नेम दे देती हूँ एबीसी। यहाँ पे मैंने एबीसी नाम दे दिया। उसके बाद वर्जन देखिए मेरे पास यहाँ पे लॉलीपॉप सेलेक्टेड है। ये करने के बाद क्लिक करना है फिनिश के बटन पर। फिनिश के बटन पर क्लिक करते ही जो मेरा प्रोजेक्ट है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो अभी मेरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे मेरा एबीसी नाम का जो प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। किसी न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास, जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो दो फाइल्स आपके पास बनेंगी। एक फाइल बनेगी आपके पास जावा की, और एक फाइल बनेगी आपके पास एक्सएमएल की। और इन दोनों फाइल्स के नेम पर अगर आप गौर करें तो दोनों का नाम क्या है हमारे पास? मेन एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी हमारे पास कौन सी एक्टिविटी होती है? जो सबसे पहली एक्टिविटी, जैसे आपने देखा कि अभी मैंने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, अभी मैंने सिर्फ प्रोजेक्ट क्रिएट ही किया है और बाय डिफॉल्ट ये दो फाइल्स मेरे पास बन गए जिनका नाम था मेन एक्टिविटी। इसका मतलब ये कि चाहे आप आगे चलकर अपने प्रोजेक्ट में कितनी ही एक्टिविटीज क्यों ना बना ले, सबसे पहले जो आपकी एक्टिविटी जो रन होगी वो होगी मेन एक्टिविटी। स्टार्टिंग एक्टिविटी होगी ना, सबसे पहली वो होगी मेन एक्टिविटी। तो इसीलिए सबसे पहले जो हमारे पास के आई है ये मेन एक्टिविटी। तो इसमें हमारे पास नाम तो सेम है कि मेन एक्टिविटी है, लेकिन एक हमारे पास है ये जावा फाइल और एक हमारे पास है एक्सएमएल फाइल। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारी जो एंड्रॉइड की एप्लीकेशन है, तो ये एक्टिविटी का लेआउट कैसा होगा, मतलब इसमें क्या क्या चीजें होंगी, बटन्स कैसे होंगे, या कोई
टैक्स बॉक्स लगाना है, तो ये जितनी भी ये चीजें जो एक यूजर को नजर आए, जो कहते हैं हम कि एक फ्रंट एंड जो होता है वो हम लोग एक्सएमएल की फाइल में करते हैं, और जितनी भी और उन चीजों को जो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी हो, जैसे हमें जो बैक एंड प्रोवाइड करना होगा, वो तमाम काम हम यहाँ जावा की फाइल में करते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास ये जो लेफ्ट पेन है, इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। सबसे पहले तो इसके अंदर आपके पास सबसे पहली फाइल है मैनिफेस्ट की, तो इस जो मैनिफेस्ट का जो फोल्डर है, इसके अंदर आपके पास एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल की फाइल है, इसको ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर आपके पास उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितना भी मेटा डेटा फाइल्स है वो सब मौजूद होती है। फॉर एग्जाम्पल के इस प्रोजेक्ट के अंदर कितनी एक्टिविटीज है, अभी हमने तो सिर्फ इस प्रोजेक्ट को क्रिएट ही किया है, तो यहाँ पे कितनी एक्टिविटीज है, सिर्फ एक ही एक्टिविटी है जिसका नाम है मेन एक्टिविटी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो एक्टिविटी का टैग है, इसके अंदर नाम शुरू हो रहा है आपके पास मेन एक्टिविटी। इसके अलावा आपकी एक्टिविटी, आपकी जो प्रोजेक्ट है उसका नाम क्या है, इसमें आपके प्रोजेक्ट का जो आइकन होगा, तो ये तमाम चीजें आपके पास मैनिफेस्ट की फाइल में शो होती है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे दूसरा फोल्डर है जावा के नाम से। जितनी भी जावा की फाइल्स जो है क्रिएट होती जाएंगी, वो सब आपके पास यहाँ जावा के फोल्डर में, जो पहला फोल्डर है यहाँ पर। अभी जैसे एक ही जो है जावा की फाइल है जिसका नाम है मेन एक्टिविटी, तो आपको भी यहाँ पर शो हो रहा है मेन एक्टिविटी। जितनी भी जावा की फाइल्स आप क्रिएट करते जाएंगे, तो जावा के तमाम फाइल्स आपके पास जावा के फोल्डर के अंदर जो है यहाँ शो होंगी। फॉर एग्जाम्पल आप कोई जावा की न्यू फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ इसी पर क्लिक कर कोई भी न्यू एक्टिविटी आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और फोल्डर है जिसका नाम है RES। इसके अंदर आपके पास और डिफरेंट फोल्डर्स है, जिसमें सबसे पहला फोल्डर है आपके पास ड्रॉएबल। ड्रॉएबल के फोल्डर में अब क्या क्या चीजें मौजूद है, अगर आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर कोई भी ग्राफिक दिखाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई दिखाना चाह रहे हैं या कोई पिक्चर जो आप लगाना चाह रहे हैं, तो जितनी भी ये सारी ग्राफिक वाली चीजें होती है ना, ये सब आप इस ड्रॉएबल के फोल्डर में रख सकते हैं, चाहे वो कोई आइकन हो या चाहे वो कोई पिक्चर हो। तो लेआउट में क्या होता है, अब दो फाइल्स जो है हमारे पास क्रिएट हुई है, एक एक्सएमएल की और एक जावा की। अब जावा की फाइल तो हमारे पास यहाँ जावा के फोल्डर के अंदर थी, इसके अलावा जो ये एक्सएमएल की फाइल है ये हमारे पास आकर सेव होंगी इसमें लेआउट के फोल्डर में। तो जितनी भी चाहे आप एक्सएमएल की फाइल्स बना ले, वो तमाम की तमाम फाइल्स आपके पास यहाँ लेआउट के फोल्डर में शो होंगी। जाते हैं यहाँ मिप मैप में। मिप मैप का जो फोल्डर है, जो भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन होगी उसका जो आइकन होगा वो आपके पास इसके अंदर सेव होगा। जैसे अभी जो मेरी एंड्रॉइड जो एप्लीकेशन है उसका आइकन यही है, तो ये आप देख सकते हैं ये मेरे पास अभी मिप मैप में शो हो रहा है। उसके बाद है वैल्यूज। अब वैल्यूज में हमारे पास डिफरेंट चीजें हैं। सबसे पहले तो हमारे पास है कलर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट कलर्स के कोड मौजूद है और उसके बाद उनको नेम दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर कोड को कोई नेम दे दे, तो हम इजीली, अगर मुझे इस वाले कलर को कहीं पर भी अपनी एप्लीकेशन में कॉल करवाना है, तो मुझे जस्ट उसे नेम देना है ब्लैक, और फिर ये जो भी कलर होगा ये हमारे पास वहाँ कॉल हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास फाइल है वो है स्ट्रिंग। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं कोई टेक्स्ट प्रोवाइड करना चाह रही हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं डायरेक्ट जो है अपनी एप्लीकेशन में टेक्स्ट ना लिखूं, बल्कि यहाँ जो है उस टेक्स्ट को सेव करके उसे जस्ट एक नेम दे दूं। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट है ABC और उसको नेम दे दिया है app_name। तो अब जहां भी मुझे इस ABC को कॉल करवाना होगा, तो मैं जैसे उसे नेम दे दूंगी app_name, तो वो उसी का टेक्स्ट जो है वो मुझे प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद थीम्स में आ जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे थीम्स मौजूद है। ये थीम्स हमारे पास जो हमारी मोबाइल जो भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन है हमारे पास, उसकी थीम आप यहाँ पे से कलर चेंज कर सकते हैं। ये सारा काम आप यहाँ थीम में कर सकते हैं। ये था हमारे पास एंड्रॉइड स्टूडियो का लेफ्ट पेन। अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। मेरे पास जो एक ही activity_main की फाइल है उसको ओपन कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग ने पहले भी पढ़ा कि जितनी भी चीज जो फ्रंट पे जो नजर आएगी, मीन्स जो यूजर के लिए एक एज अ फ्रंट एंड जो होगा वो हम लोग एक्सएमएल की फाइल में रेडी करेंगे। अब इसमें होती क्या क्या चीज है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सबसे पहली चीज तो कोड। अगर हम चाहें तो हम कोड करके फ्रंट का डिजाइन है वो रेडी कर सकते हैं। एक ऑप्शन है कोड, एक है स्प्लिट। स्प्लिट में क्या होगा कि उसका डिजाइन भी आपके पास यहाँ पे शो होगा और उसका कोड भी, और डिजाइन में सिर्फ आपके पास डिजाइन शो होगा। मैं तो स्प्लिट यूज करती हूँ। स्प्लिट से हमारे पास क्या होगा कि हम यहाँ पे इजिली कोड भी कर सकते हैं और वो यहाँ पे हमारे पास जो भी डिजाइन हम कर रहे हैं वो हमें नजर भी आ सकता है। अभी भी मैंने अभी तक इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई काम नहीं हुआ, जितना भी काम आप लोग अभी तक नजर आया ये सब बाय डिफॉल्ट है।
आप सबसे पहले आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा काम हुआ हुआ है और यहाँ पे आपको एक वर्ड नजर आ रहा होगा कंस्ट्रेंट लेआउट। कंस्ट्रेंट लेआउट यहाँ पर पहला टैग जो है यूज हुआ हुआ है। उसके बाद आपको ये टेक्स्ट व्यू नजर आ रहा होगा, ये जो हेलो वर्ल्ड नजर आ रहा है ये टेक्स्ट व्यू के टैग के अंदर ही मौजूद है। अच्छा, जिस तरह हम लोग HTML में पढ़ते कि हमारे पास पेयर टैग्स होते थे और सेल्फ क्लोजिंग टैग होते थे, तो एंड्रॉइड में भी हमारी तरह बिल्कुल इसी तरह होता है कि इसमें हमारे पास पेयर टैग्स भी मौजूद हैं और सेल्फ क्लोजिंग टैग्स भी मौजूद हैं। जैसे हम यहाँ पे टेक्स्ट व्यू को रेडी कर सकते हैं, टेक्स्ट व्यू लिखते ही आपसे लेआउट विथ पूछेगा, तो लेआउट विथ हम कर देते हैं मैच पैरेंट हाइट यानी रैप कॉन्टेंट। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट लिख देते हैं दिस इज माई फर्स्ट एंड्रॉइड क्लास। इसको करने के बाद टेक्स्ट व्यू का जो टैग होता है ना वो हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग होता है, तो जस्ट हमें इसको सेल्फ क्लोज करना है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर जो है नजर आ रहा है आपको लिखा हुआ दिस इज माई फर्स्ट एंड्रॉइड क्लास। इसी तरह टेक्स्ट व्यू के जरिए आप लोग जो है यहाँ पे कोई भी टैग शो करवा सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सबसे पहले तो आपके पास यहाँ एक्टिविटीज के नेम है, उसके बाद सेकंड जो है यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा सबसे पहले तो डिजाइन है। डिजाइन आपको जो डिजाइन दिखेगा ब्लूप्रिंट का ब्लूप्रिंट नजर आएगा और फिर डिजाइन एंड ब्लूप्रिंट, इसमें आपको डिजाइन भी नजर आएगा और ब्लूप्रिंट भी नजर आएगा। और लास्ट आपके पास कलर ब्रांड नोट्स, मतलब आप जिस भी तरह का कलर रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। उसके बाद है ओरिएंटेशन, आप चाहें तो अभी मेरे पास पोर्ट्रेट में हम लोग लैंडस्केप में भी रख सकते हैं, तो ये इस तरह हॉरिजॉन्टली नजर आएगा। जब हम लोग मोबाइल को यूज कर रहे होते हैं तो हम लोग दो तरह से अपने जो है मोबाइल के जो लेआउट रखते हैं, या तो हम डार्क रखते हैं या फिर हम लोग लाइट रखते हैं। तो अगर हम लोग लाइट रखते हैं तो फिर हम लोग इसमें काम कर सकते हैं, अगर हम लोग बिल्कुल डार्क रखते हैं तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। इसके जरिए हमारी जो स्क्रीन है वो ब्लैक ही रहेगी और हमें अंदाजा रहेगा कि हमारी डार्क स्क्रीन वाले मोबाइल पर ये एप्लीकेशन किस तरह शो होगी। कि फाइल में आ गए, ये हमारे पास जावा की फाइल है मेन एक्टिविटी की, जिसमें हम लोग मेन एक्टिविटी की हर जो चीज जो हमने यहाँ XML फाइल में लगाई होगी उन सबको हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की क्लास और ये आगे के लेक्चर्स में हम लोग इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिकल वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।